नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु तो यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। हम आपको बताते चलते हैं कि जिस तरह से जांजगीर चांपा जिला में 3 सवारी मोटरसाइकिल में सवारी करने पर कार्रवाई हो रही है, उसमें ज्यादातर अपनी शादी के रिश्ते देखने जा रहे लोगों पर पड़ रही है, क्योंकि अभी शादी का मौसम शुरू हो चुका है। देहात के लोग अपनी रिश्ता देखने अपने साथ दोस्त को ले जाते हैं, साथ में गार्जियन भी लेके जाते हैं। ऐसे में अब 3 सवारी सफर करना नामुमकिन है। इसी कड़ी में जांजगीर जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 141 वाहनों पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें मोटरसाइकिल में 3 सवारी चलने वाले 100 वाहन के चालकों से 30,000 रुपये, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाए जाने पर 13 वाहन के चालकों से 3900 रुपये, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने वाले 2 वाहन के चालकों से 600 रुपये, वाहन में नंबर प्लेट अस्पष्ट लिखे 5 वाहन के चालक से 1500 रुपये, वाहन का हेडलाइट आधा काला नहीं होने के 12 वाहन के चालक से 3600 रुपये, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाते पाए गए 1 वाहन के चालक से 500 रुपये, वाहन में पार्किंग लाइट नहीं होने के 1 वाहन के चालक से 300 रुपये, मालवाहक में सवारी बैठाए गए 3 वाहन के चालकों से 900 रुपये, अधिक ऊंचाई तक माल लोड करने वाले 3 वाहन के चालकों से 900 रुपये, कार्रवाई कर समन शुल्क वसूल किया गया तथा 1 वाहन के चालक के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर प्रकरण न्यायालय पेश किया जाएगा। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए जेएक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे।